सभी को नमस्कार। हाजिर हूं मैं एक और आपके सामने नॉइस पॉल्यूशन का वीडियो लेकर के। ये वाला वीडियो क्यों पढ़े, इस वाली हमारी वीडियो से क्यों पढ़े भाई? दूसरे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उनसे भी पढ़ सकते हो। इससे इसलिए पढ़ो क्योंकि पहली बात तो इसमें डेसिबल साउंड्स को याद करने की एक बाबा जी की ट्रिक है बहुत जोरदार, वो वाली तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ लेना भाई, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सारे ये हैंड रिटन नोट्स है हमारे, जो मैं आपको चार्जेबल नोट्स हैं उनके अंदर से एक नोट्स निकाल करके तुमको पढ़ा रहा हूं नॉइस पॉल्यूशन के। तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे 2023 तक के सारे लेटेस्ट डाटा नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड तुमको मिल जाएंगे, तुम्हारा करंट अफेयर्स भी इसके अंदर कवर हो जाएगा नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड, इसीलिए पढ़ना है। दूसरी चीज जो बताने जा रहा हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाकर के डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक ले लेना। अगली बात, 1 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं, हमारे माइनर टेस्ट हो रहे हैं। 27 टॉपिक के अंदर हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है, हर एक टेस्ट के ₹20 चार्ज लेते हैं, टेस्ट के चार्ज लेते हैं। इसके साथ में हम लोग लगभग 2700 से लेकर के 3000 क्वेश्चंस फ्री में देंगे। ये क्वेश्चन हमारे नहीं है, हम बस नेट से जो अवेलेबल कंटेंट है वो कंटेंट आपको उठा करके ऐसे के ऐसे देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा, 540 हमारे रुपए चार्ज रहेंगे। 7737732 34 पर जाकर के आप लोग संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर को मिलाइए, डायल करिए और इसके अंदर यहां आप जाकर के आप बात कर सकते हैं। ₹540 लगेंगे टोटल और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत वेराइटी क्वेश्चन हैं और आपको इससे फायदा ही मिलेगा, ये हमारी पूरी गारंटी है, ठीक है। अगली बात, एक हमारी एनवायरमेंट पर्यावरण, देखो पर्यावरण के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों के 16 क्वेश्चन, 16 हमने वीडियोस बना रखी है, इस तरह की आपको वीडियोस मिलेगी। ये सारी की सारी वीडियोस हमारी एक प्लेलिस्ट है एनवायरमेंट जीके करके, एनवायरमेंट जीके करके प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाओगे तो वहां पे 16 वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पे ये वीडियो मिलेंगे, वहां पर जाकर के आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन करेगा वो इन एनवायरमेंट वाले 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर से कुछ क्वेश्चन मैंने 500 MCQ सीरीज के अंदर डाले हैं, वो वाले आपको टेलीग्राम चैनल पे जब आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी उस दिन मैं टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वहां पे हम लोग MCQ वगैरह भी करते रहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे नॉइज पॉल्यूशन की बात करेंगे। तो नॉइज जो है वो एक लैटिन वर्ड है नोजिया, उससे बना हुआ है। नोजिया जो है ये नोजिया वो वाला नहीं है जो छोटे छोटे बच्चे आकर के मम्मी पापा को बोलते रहते हैं कि भाई पापा नोजिया ही, वो वाला नहीं है। नोजिया का मतलब होता है फीलिंग ए सिकनेस एट द स्टमक, मतलब पेट के अंदर कुछ तकलीफ, दर्द होना या कुछ परेशानी होना, वैसा लगना, उसको हम लोग नोजिया बोलते हैं लैटिन में, लैटिन का जिसका अर्थ होता है नॉइज, ओके। अब जो नॉइज है उसको, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी है, नॉइज साउंड है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। साउंड आपको पता है वेव, आप सब केमिस्ट्री वाले हो, समझाने की जरूरत नहीं है। वेव जो फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, ठीक है। यह यहाँ पे क्योंकि यह साउंड है इसीलिए हम लोग इसकी यूनिट हर्ट्ज के अंदर या साइकिल पर सेकंड के अंदर बोलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग साउंड प्रेशर की क्या यूनिट होती है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। साउंड इंटेंसिटी की क्या होती है, वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, है ना। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है जब आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब मुझे याद करोगे कि सर ने उस टाइम पे बोला था कि यार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार। ये क्वेश्चन है कि जो साउंड है उसको हम लोग लाउडनेस में डिस्क्राइब करते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है, तो लाउडनेस की यूनिट होती है सोन। देखो हर एक पॉइंट के अंदर एक क्वेश्चन है, इसी तरह के नोट्स मैंने बना रखे हैं, इसी तरह के नोट्स हम लोग देते हैं। 899 रुपीज के अंदर हम लोग हमारे नोट्स भी ले सकते हो आप लोग, 7737732 34, ये हमारे सॉल्यूशन एकेडमी के नंबर है, वहां जाकर के आप लोग हमारा एजुकेशन कंटेंट भी इससे एग्जाम से रिलेटेड ले सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो एक सोन है वो कितने डेसिबल के बराबर होता है, 40 डेसिबल के बराबर। साउंड प्रेशर कितना होना चाहिए उस टाइम पे, 1000 CPS के अकॉर्डिंग, है ना, साइकिल पर सेकंड होना चाहिए। वहां पे एक सोन कितने 40 डेसिबल का होता है। अच्छा, अगली बात है परफेक्ट हियरिंग के लिए, ये देखो हर एक पॉइंट के अंदर क्वेश्चन है, परफेक्ट हियरिंग की रेंज क्या है, 16 से लेकर के 2000 हर्ट्ज, ये परफेक्ट हियरिंग की रेंज है। अब यहां पे एक बार बार टर्मिनोलॉजी आ रही है डेसिबल, ये डेसिबल क्या होता है, देखो डेसी में, डेसी जो है उसका मतलब होता है 10
और बेल जो है वो लॉगरिदमिक वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। अब ये लॉगरिदमिक वैल्यू के लिए हमको पहले वाले पेज पे चलना है। ये मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है यहाँ पे कि जो डेसिबल का डेसिबल में जो बेल है वो है लॉग 10। किसका लॉग 10? ये है रेशियो ऑफ साउंड इंटेंसिटीज, मतलब कोई साउंड है उसकी आपने इंटेंसिटी मेजर करी और उसके नीचे रेफरेंस इंटेंसिटी डाल दी, इन दोनों का जो रेशियो है उसका लॉग 10 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बेल आएगा, और उसके उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, डेसीबेल, 1 डेसीबेल आ जाएगा। ये 1 डेसीबेल वो साउंड है जो कि इंसान के द्वारा सुने जाने वाली सबसे लो फ्रिक्वेंसी है। इसको हम लोग इंसान की थ्रेशहोल्ड भी बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग। इसकी ये वैल्यू भी याद रखनी है 0.002 माइक्रोबार। 0.002 माइक्रोबार इज इक्वल्स टू डेसीबल, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। अब ये डेसिबल जो है वो केवल ह्यूमन हियरिंग के लिए ही यूज किया जा रहा है ना। इसके अलावा और भी इंडेक्सेस हैं जो यूज की जाती है वर्ल्ड वाइड, जैसे यूके के अंदर ट्रैफिक को नापने के लिए L10 या 18R इंडेक्स यूज की जाती है, इसको DBA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी रेंज नापने के लिए ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिव परसीव्ड नॉइज लेवल LEPN को यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो है वो है ये इक्विवेलेंट नॉइज लेवल, इक्विवेलेंट नॉइज लेवल LEQ। ये मेनली जब हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना नॉइज को नापने के, उसके अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी LEQ। ये कहाँ यूज में ली जाती है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ISO है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO वो यूज में लेता है। किसके लिए यूज में लेता है, रेजिडेंट इंडस्ट्रियल एरिया ट्रैफिक एरियाज उनके नॉइज लेवल को नापने के लिए। यहाँ पे ये चीज महत्वपूर्ण है, आपको ऐसे कैसे रट लेनी, नॉइज लेवल साउंड प्रेशर लेवल की SPL बराबर होता है 20 × log P/P0। और एक और चीज है जो आपको ऐसे कैसे रटनी है वो है साउंड इंसुलेशन मटेरियल, मतलब जैसे कोई मशीन है, मशीन को नॉइस को दबाने के लिए उसके चारों तरफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं है ना, तो वो मटेरियल के लिए उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको नापने के लिए हम लोग साउंड रिडक्शन इंडेक्स का यूज करते हैं। उसका फॉर्मूला है 10 log 10 P1/P2 dB, दोनों सेम है डेसीबल के अंदर दोनों साउंड। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे साउंड से रिलेटेड, जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसकी बात करी हम लोगों ने। आगे देखें, अब बात करते हैं कि नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज नेचुरल और मैन मेड दो तरह के हैं। उनमें से जो नेचुरल हैं वो कौन है, जैसे रेन, विंड, थंडर, इस तरह के जो भी अर्थक्वेक्स वगैरह जो हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो हमारे नॉइज पोल्यूशन के सोर्स हो गए। अब ये जनरल सोर्स है रेन, विंड और थंडर है ना। अब मैन मेड जो आदमी द्वारा पैदा किए वो कौन कौन से हैं, तो वो भी दो तरह के, एक तो इंडस्ट्रियल और एक नॉन इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रीज में 60 से 90 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। और माइनिंग, दो इंडस्ट्रियल मेन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नॉन इंडस्ट्रियल के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, जैसे ट्रैफिक हो गया है ना, ट्रैफिक में रोड रेल और एयर सारे आ गए, ठीक है, इनलैंड नेविगेशन वगैरह सब आ गए। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलती रहती है, घरों के काम चलते रहते हैं, आपको पता है ठोका पिंदी चलती रहती है, वो सब भी इसके अंदर आ गया। अर्बनाइजेशन है ना, उसके अलावा सोशल इवेंट्स जो होते रहते हैं, माइक लगा लगा करके बोलते हैं, वो हो गया। उसके अलावा स्पेस और रिसर्च, एयरक्राफ्ट वगैरह की ट्रेनिंग होती है, उनके अंदर से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, आपको पता है जयपुर के अंदर जाओगे तो वहाँ पर हवाई अड्डे के पास किसी का घर है तो वो तो साउंड से परेशान है। उसके अलावा जो देखो फेस्टिव ओकेजन्स के अंदर आपको पता है कि जैसे अभी NGT ने पटाखों के ऊपर रोक लगा दी थी है ना, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर आ गया प्लेस ऑफ वर्शिप है ना, कई जगह आपको पता है स्पीकर्स वगैरह की वजह से भी जो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह होता है। उसके बाद में इंडोर सोर्स के अंदर क्या क्या आ गया, जैसे घरेलू हो गया, सोर्स हो गया है ना, वो सारा, जैसे घरेलू बातचीत, चिल्लाना, झगड़ा,
बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों की आवाज़ें, बहुत सारा वो भी पोल्यूशन के अंदर ही आता है। कुल मिला के एबनॉर्मल साउंड जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे मशीन वगैरह चलती है, बहुत सारी चीज़ें ट्रैक्टर वगैरह, उनका साउंड भी जो वो इसी के अंदर आ जाएगा। वैसे ट्रैफिक पोल्यूशन के अंदर उसको बोलेंगे, पर जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बड़े बड़े चलते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। पावर जनरेटर्स चलते हैं, आपको पता है शादी ब्याह में उसका भी साउंड बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उनका भी साउंड होता है। ये सारे सोर्सेज की हम लोगों ने बात करी। अब देखो दोस्तों, अब जो मैं बात कर रहा था आपको कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसको कहानी को सुनते सुनते आपको वैसे उस कहानी के अंदर आप रम गए तो आपको फटाफट से ही वो काली कहानी याद हो जाएगी कि आपको किस तरह से डेसिबल साउंड्स को याद करना है। तो ये है हमारे नॉइज़ लेवल एक्टिविटीज़, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग तो फटाफट ही हमको सारी नॉइज़ लेवल्स याद हो जाएंगे। देखो, एक बहुत ही घने जंगल के अंदर, घना जंगल बना लेते हैं एक बार अपन। देखो ये घना जंगल बना लिया मैंने, ये घना जंगल बन गया। घने जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे एक महाराज थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो जो महाराज थे उन्होंने तपस्या करी थी, आपको पता घने जंगल के अंदर महाराज तपस्या करने के लिए क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि वो अपनी सांसों की आवाज़ों को सुन सके। तो जब वो गए थे तो वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब जीरो डेसिबल का साउंड था। तो जीरो डेसिबल साउंड आपको पता है क्या होती है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग होती है ना। इंसान सबसे कम क्या सुन सकता है? जीरो डेसिबल के साउंड तक सुन सकता, उससे नीचे नहीं सुन सकता। उस टाइम पे उनको अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दी, 10 डेसिबल की उनकी सांसों की आवाज़ थी। 10 डेसिबल की सांसों की जो आवाज़ थी उसको सुनने के बाद में वो वहाँ पर ध्यान में लीन हो गए। तो बहुत समय बीत गया। बीतने के बाद में क्या हुआ कि वो एक दिन उनका ध्यान टूटा। ध्यान टूटने के बाद में क्या हुआ कि वो खड़े होकर के और आगे चलने लगे। जैसे वो आगे चलने लगे तो आपको पता है पेड़ के नीचे बैठे थे तो उसके पत्ते गिरे हुए थे, तो जो पत्ते हैं उनकी आपस में सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। तो ये रसलिंग ऑफ लीव्स, कितनी आवाज़ आ रही थी? सांस से तो ज़्यादा ही होगी, 15 डेसिबल की आवाज़ आ रही थी। 15 डेसिबल की आवाज़ को सुनते सुनते वो आगे पहुँचने के बाद में एक झरना था। उस झरने के नीचे की तरफ बहुत सारी युवतियाँ पानी वानी भरने के लिए अटकेलियाँ करते करते उनकी ये नज़र एक युवती के ऊपर पड़ी। वो जो युवती थी वो अपनी सहेलियों के साथ में वार्तालाप कर रही थी यहाँ पर पट्टी पे बैठ के, और ये यहाँ से झरने को देख रही थी बातें करते हुए। वो जो क्वाइट विस्परिंग थी वो पत्तों की आवाज़ से थोड़ी सी ज़्यादा थी, है ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट विस्परिंग। वो जो सॉफ्ट विस्परिंग है वो 20 डेसिबल की, पत्तों की आवाज़ से थोड़ी सी ज़्यादा। ब्रॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर, कमरे के अंदर भी सॉफ्ट विस्परिंग की ही आवाज़ आती, बहुत ही कम, 20 डेसिबल की आवाज़ थी। उसके बाद में उन लोगों ने जैसे ही महाराज ने उस युवती को देखा, महाराज तपस्या से एकदम यंग हो गए थे, युवती ने महाराज को देखा, दोनों एक दूसरे की आंखें मिली और एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। जब वो एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए तो उसके बाद एक दूसरे की, महाराज ने भी अपनी कुटिया बना ली। कुटिया बना करके महाराज भी कुटिया के अंदर रहने लगे। कुटिया में रहते थे और वहाँ पर भी बेड के ऊपर लेटे लेटे महाराज टांग के ऊपर टांग रख के बातें करते थे। नाइट में बेडरूम के अंदर आपको पता है रजाई ओढ़ करके जो इस तरह की बातें करते हो तुम, वो बातें जो होती है वो क्वाइट विस्परिंग होती है। वो जो क्वाइट विस्परिंग है, क्वाइट कन्वर्सेशन है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट विस्परिंग से थोड़ी सी तेज होती है, क्योंकि वो उसी कंबल के अंदर होती है तो वो आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जाती, वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 30 डेसिबल की होती है। अब ये थी हम लोगों ने बात करी वेरी क्वाइट और जस्ट ऑडिबल साउंड की, जो 0 से 20 डेसिबल और 30 डेसिबल की थी। अब बात करेंगे आगे। अब आपको पता है कि युवती को महाराज और महाराज को युवती बहुत पसंद करती थी। जब वो एक दूसरे को पसंद करते थे तो उनके अंदर नॉर्मल कन्वर्सेशन होती थी। जो मर्द की आवाज़ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आपको पता है रजाई के अंदर तो आदमी बहुत धीरे बोलता, पर जब नॉर्मल आवाज़ होती तो वो ज़्यादा तेज होती है और 30 से डबल 60 डेसिबल की उसकी साउंड होती है। ये एक दूसरे से फोन पे भी बात करते थे तो भी उसी नॉर्मल आवाज़ के अंदर 60 डेसिबल के अंदर ही बात करते थे। एक दिन क्या हुआ कि युवती ने बोला महाराज को कि मुझे तो कड़े दिलाओ।
कड़े दिलाओ और महाराज के पास में पैसे होते नहीं, आपको पता है महाराज तो तपस्वी थे। कड़े दिलाओ करते करते एक दूसरे के बीच में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने लगा तो उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। आर्ग्यूमेंट जब घर के अंदर आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो आर्ग्यूमेंट महाराज के साथ में कार में बैठ करके जब मार्केट जा रहे थे तो भी होता रहा। तो वो आर्ग्यूमेंट जो है वो नॉर्मल स्पीड से बढ़ करके कितनी हो गई, 70 डेसिबल की बढ़ गई उनकी आवाज। जब उनकी आवाज बढ़ गई तो उसके बाद में आपको पता है बहुत जब तेज झगड़ा हो जाता तो उसके बाद में घर में एकदम से सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो जो घर का माहौल है वो जस्ट आधा रह जाता है। तो ये क्वाइट स्ट्रीट, गलियां भी ऐसे लगती जैसे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। 70 से कितना हो गया, 35। घर भी बिल्कुल चुपचाप, लाइब्रेरी जैसा लगता है 40 डेसिबल का। उस ऑफिस के अंदर जाओ तो वहाँ पर भी आपको आवाज़ कम आएगी 50 डेसिबल की। तो ये तीनों भी आपको याद होने चाहिए, क्वाइट स्ट्रीट, क्वाइट होम, क्वाइट स्ट्रीट और क्वाइट ऑफिस, इनका 35, 40 और 50 का रेंज होता है। अब जब क्या हुआ कि महाराज ने, उसको मन नहीं लग रहा था महाराज का, तो महाराज का मन नहीं लग रहा था तो अब उन्होंने सोचा कि मैं कैसे न कैसे इसको मनाऊं। मनाने के लिए महाराज ने क्या किया, उसको रेडियो पे गाना लगाया। रेडियो पे गाना लगाया कितने डेसिबल का, 55 डेसिबल का। 55 डेसिबल का साउंड आपको पता होना चाहिए रेडियो म्यूजिक का होता है। उसके बाद वो मान गई तो दोनों जने बाइक पे बैठ करके और 85 की स्पीड में महाराज ने बाइक को चलाया और जाकर के और क्लब में ले गए। क्लब में लाउड सिंगिंग हो रही थी 75 डेसिबल की। वहां पर उन्होंने टेलीफोन टॉक्स भी एक्साइटेड होकर के करी, जोर जोर से चिल्लाए। फिर महाराज उसको घुमाने के लिए म्यूजिक फंक्शन में ले गए 95 डेसिबल की और ज्यादा तेज आवाज। डीजल ट्रक के अंदर बिठा करके ऑर्केस्ट्रा सुनाने के लिए गए 100 डेसिबल के साउंड को। उसके बाद में जंगल के अंदर ले गए, लॉयन रोरिंग हो रही थी 90 डेसिबल की। तो इस तरह से आपके सारे डेसिबल साउंड जो है वो हो जाते हैं समाप्त। तो दोस्तों होप सो आपको ये डेसिबल साउंड भी पसंद आए होंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, बात कर रहे हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ नॉइस एंड ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज की, कि भाई किस तरह से हमारी हेल्थ को अलग अलग इंटेंसिटी की जो डेसिबल साउंड्स हैं या नॉइज है वो प्रभावित करती है। जैसे जो हम लोग ट्रैफिक या इंडस्ट्रीज या लाउड म्यूजिक जिसकी 75 डेसिबल की रेंज है उसके अंदर अगर हम लोग रहते हैं तो ये एक हाई इंटेंसिटी साउंड होता है। ये जो हाई इंटेंसिटी साउंड है इससे ज्यादा साउंड, मतलब 80 से 100 डेसिबल तक अगर चला जाए साउंड, तो उसकी वजह से क्या क्या हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेंगे, वो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम कर सकती है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम कर सकती है और हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मतलब आपके आंतों के अंदर समस्या पैदा कर सकती है, आपको खाना पचने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप सोचो कि साउंड की वजह से, केवल और केवल साउंड की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। अब जो हमारे फायर क्रैकर्स हैं या जो हमारे ब्लास्ट होते हैं माइंस के अंदर, पूरी आपने अमिताभ बच्चन की मूवी के अंदर देखा होगा कि भाई पूरी खान को उड़ाने के लिए जो माइंस लगाई जाती है वो बॉम्ब एक्सप्लोजन्स वगैरह होते हैं, उसका एक्सप्लोसिव साउंड होता है 110 डेसिबल का। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से एकॉस्टिक ट्रॉमा आ सकता है आपको, है ना, आपके जो कान है वो फट सकते हैं, है ना, बहरे हो जाओगे आप, डैमेज हो जाएगा कान, इंटरनल ईयर, ये डैमेज जो है वो इंटरनल ईयर में है ना। दूसरी बात इंटरमिटेंट नॉइज, अब इंटरमिटेंट नॉइज किसका होता है, एरोप्लेन्स का होता है, इंडस्ट्रीज का होता है, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, गुस्सा आना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आपका चिड़चिड़ापन, स्वभाव में बदलाव, ये सारी चीजें इस तरह के नॉइज से आती है। कंटिन्यूस जो साउंड आता है फैक्ट्रीज का उसकी वजह से ये चीज होती है। लो नॉइज क्या, जैसे जैसे क्राउड्स का डोमेस्टिक नॉइज जो होता है ना, हाईवेज पर जो नॉइज आता है गाड़ियों का लगातार जो धीरे धीरे नॉइज आता रहता है, उसकी वजह से इमोशनल और बिहेवियरल इफेक्ट भी पड़ता है। आप देखेंगे कि जो पहाड़ों के लोग होते हैं वो बहुत ही शांत तरह के दिखे जाते हैं, या फिर कोई जो जंगली है उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुलनेस देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो साउंड है वो बहुत ही कम होता है, उनके इमोशनल और बिहेवियरल इफेक्ट्स उनको उनके अंदर नहीं होते हैं, वो बहुत ही काम रहते हैं इसी कारण से। अगली बात लाउड और सडन, तो जैसे सोनिक बूम वगैरह आते हैं है ना, उसकी वजह से क्या होता है, शॉक इफेक्ट होता है और ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। अगर एक और चीज़ है, ये जो साइलेंस है कि बिल्कुल ही साइलेंस है, बिल्कुल भी कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, तो क्या होगा, तो जो जब स्पेस
के अंदर जाने के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेंड किया जाता है, तो उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो थोड़े से अनकंफर्ट सेंसेशन फील करते हैं अपने अंदर। ये साइलेंट रूम, जैसे हम लोग कई बार चुपचाप से बैठ जाते हैं, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, तो हम अंदर से हमारे अंदर सेंसेशन आते हैं, तो ये इफ़ेक्ट्स जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं, तो ये इफ़ेक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इन इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सोर्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कोई मशीन है उसके अंदर कुछ खराबी है, तो हम लोग उसको उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके और उस खराबी को दूर कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले इस तरह के मॉडिफिकेशन मॉडल्स बनाए जाए जो कि साउंड जो है वो कम प्रोड्यूस करे। दूसरा, अगर मान लो आप उसमें सोर्स में बदलाव नहीं कर पाएंगे, अब वो बन चुका है, तो आप उसकी शील्डिंग कर सकते हैं, है ना, शील्डिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, आप साउंड जो नॉइस रिडक्शन के लिए या साउंड रिडक्शन के लिए आप उसके ऊपर अपरेटस या कोई सब्सटेंस लगा सकते हैं जो कि साउंड रिड्यूस करता है। उसके बाद शील्डिंग, अब अगर उसको भी नहीं कर सकते तो आप जो रिसीवर है, जैसे कानों में ईयर मफ पहनना, है ना, इस तरह के ईयरफोन्स लगाना, इस तरह के ईयर पफ्स पहनना, ये चीज़ कर सकते हो आप लोग। उससे क्या होगा कि जो अच्छा ये भी कर सकते हो, उसके अलावा जैसे सोर्स है, है ना, जैसे यहाँ से यहाँ कोई मशीन है, तो इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री वगैरह इस तरह से बना दी जाए, है ना, कोई कंक्रीट की 5-7 फिट की दीवार बना दी जाए, तो उसकी वजह से साउंड जो है वो कम आएगा बाहर खड़े हुए आदमी के। इस तरह से आगे है, शिफ्टिंग नॉइजी सोर्सेज एंड थिंग्स अवे फ्रॉम द पीपल, या फिर जो इंडस्ट्रीज है उनको इसीलिए शहरों से दूर स्थापित किया जाता है ताकि वहाँ का जो साउंड है वो वहाँ के लोकल लोगों को प्रभावित ना करे। तो ये जो चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा नॉइज पोल्यूशन है उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे नॉइज पोल्यूशन एक्ट 2000 के अंदर आपको क्या क्या नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड रेगुलेशंस दे रखे हैं। तो नॉइज पोल्यूशन एक्ट 2000 या रूल्स 2000 के अकॉर्डिंग क्या क्या है। अच्छा, पहली बात तो जो नॉइज पोल्यूशन है वो आपको पता एयर पोल्यूशन का पार्ट है, तो एयर पोल्यूशन का जो एक्ट है उसी के अंदर बाद में अमेंडमेंट करके नॉइज पोल्यूशन को ऐड किया 2000 के अंदर, तो वो रूल्स हमारे इसके अंदर ऐड हुए। इसके अकॉर्डिंग साइलेंस जोन, साइलेंस के अंदर कौन कौन आता, क्या आता है साइलेंस के अंदर। साइलेंस जोन के अंदर जैसे कोई लाइब्रेरी है पास में, कोई एजुकेशन सेंटर है, कोई हॉस्पिटल है, कोई जो रिलीजियस प्लेस है, कोई दरगाह है, कोई मंदिर है जहाँ पर ध्यान वगैरह होता है, तो उस जगह को हम लोग साइलेंस जोन में लेते हैं। ये जो साइलेंस जोन है इसमें दिन में तो 50 डेसिबल का साउंड और रात में 40 डेसिबल का साउंड ही अलाउ है। इसी तरह से जो रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा, बस 5 डेसिबल ज़्यादा, 55 डेसिबल का दिन में और 45 डेसिबल का नाइट के अंदर अलाउड है साउंड प्रोड्यूस करना, अलाउड है। उससे ज़्यादा साउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो उसके आपको कार्रवाई करी जाती है उसके अकॉर्डिंग, है ना, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करी जाएगी। उसके बाद में देखो जो कमर्शियल एरियाज़ हैं जहाँ दुकानें वगैरह हैं या कोई इंडस्ट्रीज़ हैं ऐसी कमर्शियल वर्क करती हों, जैसे इकोलॉजिकल पार्क्स वगैरह, आपको पता है इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं जहाँ पर ऐसे पूरा हब बनाए जाते हैं, वहाँ पर 65 डेसिबल दिन में, 55 डेसिबल रात में। यहाँ पर आप देखेंगे कि 10% का जंप रेजिडेंशियल एरिया से हुआ है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के अंदर 75 डेसिबल का साउंड दिन में और 70 डेसिबल का साउंड नाइट में अलाउड रखा गया है। अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का पूरा फुल फॉर्म है BIS की, तो ये बहुत बता रहा है कि 125 इज़ मैक्सिमम डेसिबल लिमिट फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स आप जानते हैं जो कमर्शियली यूज लिए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह, उनका जो साउंड होता है वो भी 125 उसका मैक्सिमम डेसिबल है। ओके, और जो टू व्हीलर्स का है वो 105 डेसिबल का ही साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे व्हीकल एक्ट के अंदर इसके नॉर्म्स दिए हुए हैं। अब आप जानते हैं जो भोपू वगैरह लगा देते हैं बुलेट्स के ऊपर, उनके ऊपर काफ़ी कार्रवाई वगैरह होती है, वो इन्हीं लिमिट्स के अकॉर्डिंग करी जाती है। अब देखो कुछ लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं हम लोग। ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP है, आपको ये चीज़ पता होगा कि UNEP की हर साल दो साल के अंदर, साल दो साल में जनरली इसकी आती है एनवायरमेंट रिपोर्ट, वो ये बताता है कि इनका एक अभी 2022 का जो रिपोर्ट थी उसका एक उसका क्या बोलते हैं हम लोग टाइटल है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 करके। इसके अंदर
इंडिया के अंदर से एक सिटी को इन्होंने सेलेक्ट किया और सबको चौंका दिया। क्यों चौंका दिया? कि इंडिया के उत्तर प्रदेश का एक मुरादाबाद करके सिटी है, वो सिटी दुनिया का सेकंड नॉइजेस्ट सिटी, 114 डेसिबल का साउंड उस शहर का है, सेकंड नॉइजेस्ट सिटी उसको बताया है हमारे यूएनईपी ने। अच्छा, ये पहला नॉइजेस्ट कौन सा है? ढाका बांग्लादेश, है ना। ये इसीलिए सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये रिपोर्ट जो थी वो हमारे लिए थी। दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, है ना, आसनसोल, मुरादाबाद, ये पांच सिटीज ऐसी हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर मेंशन है इंडिया की तरफ से नॉइजेस्ट सिटी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉइज कंट्रोल के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जब शुरुआत होती है किसी भी इंडस्ट्री की, तो वो ये एम करे कि हमारी जो इंडस्ट्री है उनके वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग नॉइज लेवल के एक्सपोजर से, और वो जो नॉइज लेवल है वो 90 dBA से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम रहे, ताकि जो वहाँ काम करने वाले वर्कर्स हैं वो आसानी से काम कर सकें, उसके उनके अंदर किसी भी तरह का फिजिकल चेंज या मेंटल चेंज देखने को ना मिले। दूसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या किया जा सकता है? सप्रेशन ऑफ द नॉइज एट द सोर्स बाय यूजिंग प्रॉपर टेक्निक ऑफ ऑपरेशन। प्रॉपर टेक्निक ऑफ ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशनल फॉल्ट जो है किसी भी मशीन को चलाने में वो नहीं होने चाहिए। जिस पैरामीटर पर वो चलते हैं, जिस पैरामीटर पर वो कम से कम नॉइज देते हैं, वही होने चाहिए। दूसरी बात, जो मशीनरी है, कोई भी मशीन है, उसके अंदर पार्ट्स जो होते हैं उनकी रेगुलरली मेंटेनेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर कम से कम साउंड प्रोड्यूस हो। अगली बात करते हैं पाथ कंट्रोल की। पाथ कंट्रोल का मतलब क्या है? कि जो नॉइज आ रहा है उसको हम लोग किस तरह से हमारा जो रिसीवर है उस तक पहुंचने से रोके। सबसे पहले तो इकोस्टिक इनक्लोजर्स, जैसे मान लो कोई मशीन है और जो वर्कर है वो एक ही रूम के अंदर काम कर रहा है, तो उसकी चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो इस तरह की बनाई जाए, या वहां पर जो भी इस मशीन के आसपास का एरिया है वो इस तरह का डेवलप किया जाए, या तो वो पूरी तरह से ओपन हो ताकि साउंड जो है वो पूरी तरह से एनवायरमेंट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, या फिर ऐसा अगर एक ही रूम के अंदर वो है तो वहां पे चारों तरफ की जो दीवारें हैं उसके ऊपर इस तरह का मटेरियल लगा हो जो कि साउंड को एब्जॉर्ब करता हो। दूसरा, नॉइज बैरियर्स। अगर जो मशीन है वो ऐसी जगह पर है कि जो हमारा मजदूर है वो उससे 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर रह सकता है, तो हमारी मशीन और जो हमारा मजदूर है उसके बीच में 2 मीटर का बैरियर लगाया जा सकता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नॉइज रिड्यूस कितना हो जाएगा इसकी वजह से? 10 से 15 dBA तक इसका नॉइज रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात कर सकते हैं कि जो हमारा मजदूर है उसको हम लोग साइलेंसर्स या मफलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मशीनरी है, अच्छा, ये आप मशीन के ऊपर भी कर सकते हो। दूसरी चीज, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन है वो भी किया जा सकता है, डैम्पिंग भी की जा सकती है और लैगिंग भी की जा सकती है। इसमें लैगिंग क्या होती है? जो रैपिंग विद द एकोस्टिक मटेरियल्स, मतलब जो आपकी मशीनरी है उसको इस तरह की मटेरियल से, जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उससे उसको रैप कर दो, उसकी वजह से साउंड जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि मैक्सिमम परमिसिबल नॉइज लेवल क्या क्या है। पहला, जो रोड ट्रैफिक है, रेजिडेंशियल एरियाज जहाँ हैं वहाँ रोड ट्रैफिक का जो साउंड है वो 70 dBA से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारे कानों की सुरक्षा के लिए वार्निंग दी जाती है वो 85 dBA की है। 85 dBA के बाद में अगर आप सुनेंगे तो आप बहरे हो जाएंगे। आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में जब गाने लगाते हैं हम लोग, और उसके बाद में आजकल जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन्स हैं वो वार्निंग शो कर देते हैं कि इससे ज़्यादा साउंड आपके ईयर को डैमेज कर सकती है, तो उससे कम पर ही आपको गाने सुनने चाहिए या ईयर प्रोटेक्शन रखना चाहिए। फैक्ट्री वर्कमैन जो 8 घंटे पर डे किस साउंड में रह सकता है? तो 105 dBA से ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लगा भी रखा है आपको, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन। 105 dBA से नीचे का साउंड ही एक फैक्ट्री वर्क के अंदर अलाउड होगा, 8 घंटे तक उसके अंदर रह सकता है। प्रोलॉन्ग नॉइज कोज परमानेंट डैमेज। 100 dBA से ज़्यादा का साउंड अगर लंबे समय तक सुना जाए तो परमानेंटली आप बहरे हो जाओगे।
या हेल्थ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बहरे नहीं होगे तो कोई और आपकी बॉडी के अंदर डैमेज आ जाएगा। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन ड्यूरेशन फॉर 30 seconds, 120 डेसिबल के साउंड को अगर आप सुनोगे तो आपको आप एक थ्रेशोल्ड पेन फील करोगे अपनी बॉडी के अंदर, मतलब उसके बाद में आपके अंदर आपके कानों में या आपके ब्रेन में दर्द चालू हो जाएगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इतनी तेज आवाज थी मेरे तो सिर ही दुखने लग गया, तो वो उसका कारण यही होता है डेसिबल पेन। उसके बाद में मैक्सिमम फॉर इम्पल्स नॉइज, जो सोनिक बूम होता है इस पे तो आदमी मतलब हार्ट अटैक हृदयाघात भी हो जाता मर भी जाता आदमी 150 डेसिबल से अबव साउंड पर। एब्सोल्यूट लिमिट फॉर ईयर प्रोटेक्शन, 150 डेसिबल से कम साउंड ही हमारे ईयर बचेंगे, उससे ऊपर कान बहरे हो जाएंगे। ईयर ड्रम 180 डेसिबल पर रैप्चर हो जाता है और हमारे 195 डेसिबल पे हमारे लंग्स जो है पूरी तरह से फट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था, अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ साउंड या नॉइज किस तरह से किया जाए।